Hello everyone, I am Supriya and I am back with my second video on Madhya Pradesh GK. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड से ही आपको समझ आ रहा होगा इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. मैंने मेंशन भी किया हुआ है, पेपर वन पार्ट है यूनिट फोर. तो अगर आप पेपर वन का पार्ट ए देखेंगे और उसकी यूनिट फोर देखेंगे तो आपको पहला टॉपिक यही मिलता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम इंडिपेंडेंस मतलब मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में नहीं, इन जनरल वी विल टॉक ना, तो हमको पता है कि 1857 से 1947 ये बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, फ्रीडम मूवमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, कहते हैं ना कि 1857 को, जैसे कि वी डी सावरकर ने कहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मतलब ये फर्स्ट वॉर था और 1947 को जो इंडिपेंडेंस मिल ही गया, तो इस बीच का जो कोर्स है वो क्या था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, पर हमको क्या देखना है, एज पर एम पी पी एस सी अप्रोच या जो एम पी पी एस सी हमसे पूछना चाहता है, अकॉर्डिंग टू डेट हमको देखना है कि मध्य प्रदेश में इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट का क्या रोल रहा, ये कैसे ग्रो करी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके लीडर्स कौन थे, ये सारी चीज़ें हमें आज इस वीडियो में देखनी है. ठीक है, नाउ इफ वील गो टू अर नेक्स्ट स्लाइड, तो देखें फ्रीडम स्ट्रगल मध्य प्रदेश, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है तीन हेड्स में. ठीक है, कौन कौन से तीन हेड्स हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड मतलब कैसे ग्रो करा यही देखना है हमें, है ना, कौन मतलब स्टार्टिंग वॉज फ्रॉम वेरी स्टार्ट, फ्रॉम वेरी रूट, कि कहाँ से 1857 का रिवॉल्ट आया है, जनरेट हुआ, यहीं से देखना है हमें वैसे तो, है ना. उसके बाद मेन लीडर्स, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप एम पी पी एस सी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें तो सीधा सीधा लीडर दे दिया है, तीन नंबर में दे दिया है, पहले जब छः नंबर का आता था तो छः नंबर में सीधा लीडर को हरचेन सिंह दे दिए हैं, या रानी दुर्गावती, या रानी अवंती बाई, या लक्ष्मी बाई, कोई भी, सीधे सीधे लीडर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो लीडर्स मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये तो मतलब आज कोई भी आप टॉपिक उठा के देखेंगे ना, किसी भी टॉपिक में अगर वुमेन ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो ये तो बहुत मेजर टॉपिक बन जाता है. और अगर हम मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में देखें तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ तो काफ़ी नहीं कह सकते ग्रेट वुमेन्स, ठीक है, हमको उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जैसे कि लक्ष्मी बाई, अवंती बाई, दुर्गावती, दे वर थी हीरोज, है ना. तो इसीलिए हमको ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली अच्छे से डील करने हैं. ठीक है, और आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, बैकग्राउंड. ठीक है, अब बैकग्राउंड स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए वील गो टू आर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो आर नेक्स्ट स्लाइड इज बैकग्राउंड. ठीक है, और बैकग्राउंड में आपको पहला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, अप्पाजी भोसले का रिवॉल्ट. ठीक है, अप्पाजी भोसले का रिवॉल्ट मिल रहा है. अब हु वॉज अप्पाजी भोसले, ये बताएं, अप्पाजी भोसले आपको नाम से ही हम देखिए, अगर हमको आंसर्स राइट करने हैं समझने के लिए तो ठीक है, आप समझ ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको मेंस का आंसर लिखना है तो आपको पॉइंट वाइज, आप जितना ज़्यादा पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो आपकी क्लैरिटी भी मतलब क्लैरिफिकेशन लेवल भी आपका अच्छा होगा, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी. तो मैं आपको सारी पॉइंट वाइज चीज़ें बताती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन देन प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ हेड्स लिखे हुए हैं, है ना, अपन को इनकी डिटेल्स आई विल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, तो अप्पाजी भोसले क्या थे, अब पहला अगर हम इनका पॉइंट देखें तो अप्पाजी भोसले कौन थे, मराठा लीडर, नाम से ही समझ आ रहा है भोसले. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया इनका, कि ही वॉज अ मराठा लीडर. ठीक है, हो गया एक चीज. दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरा पॉइंट मैंने इधर ही लिख दिया, 1818 में इनने रिवॉल्ट कराया, तो इनका रिवॉल्ट का टाइम पीरियड देख लेंगे, कब किया इन्हें, 1818 में इनने रिवॉल्ट किया है. तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे रीजन, किस रीजन से थे अप्पाजी भोसले. तो अगर हम विल गो टू द मैप ऑफ मध्य प्रदेश, देखिए आई रफली आई ड्रॉ द मैप ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज दिस, काफी गंदा हो गया आई नो दैट. ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का मैप हो गया. ठीक है, रफली रफली है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. तो अप्पाजी भोसले ने रिवॉल्ट किस एरिया से किया था, इन्होंने रिवॉल्ट किया था महाकौशल रीजन से. ठीक है, महाकौशल रीजन कहाँ है, पता होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैप ऑफ मध्य प्रदेश इज अ मैंडेटरी थिंग टू लोकेट थिंग्स, और ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए. ठीक है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैप ऑफ मध्य प्रदेश विल बी आर गाइडिंग फैक्टर. ठीक है, तो ये जो रीजन था ना यहाँ का,
ना जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वाला रीजन ना, इसको हम कह सकते हैं महाकौशल, मेनली जबलपुर जो थी ना वो थी महाकौशल रीजन की सबसे बड़ी सिटी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन था जिसकी महाराष्ट्र से भी बॉर्डर टच हो रही है, ठीक है, वो वाला रीजन हम कह सकते हैं कि महाकौशल रीजन आज की डेट में हम जिसको कहते हैं, इस वाले रीजन को मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिवॉल्ट अगर हम अभी देखें बुक्स में, अगर हमको मिलता है तो महाकौशल रीजन मिलता है, पर ये कहाँ के लीडर थे, ही वॉज द लीडर ऑफ नागपुर, ठीक है। तो इन्होंने रिवॉल्ट भी उसी एरिया से किया था, मतलब महाकौशल में उस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी आती थी, ठीक है, नागपुर एंड ऑल, ये सारे बरार, ये वाला एरिया। तो अगर हमको रीजन मेंशन करना है तो हम ये वाला रीजन मेंशन करेंगे, है ना, महाकौशल, नागपुर एंड ऑल दीज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम इनका क्या देख लेंगे कि हम ये देख लेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि 1818 में जब इन्होंने रिवॉल्ट करा था तो उस समय पैन इंडिया में क्या चल रहा था, सॉरी, तो पैन इंडिया में क्या चल रहा था, पैन इंडिया में चल रही थी, हमको पता है कि 1818 के टाइम पे चल रही थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, हम वी शुड ऐड दिस पॉइंट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब आंसर थोड़ा सा हमको बड़ा करना है ना, इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि यू शुड अवॉइड दिस। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी, तो इनकी जो रीन थी उसी टाइम पे इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से कोइंसाइड करती है, ठीक है। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि देखिए ये भी मराठा लीडर थे और ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहे थे, और ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो मतलब इट वॉज वॉर बिटवीन मराठाज एंड ब्रिटिशर्स ओनली, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, देखिए बेसिकली एमपीपीसी आपसे पूछता है सिग्निफिकेंस बताने का, तो सिग्निफिकेंस में हमको सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही ऐड करने हैं, ठीक है, हमको नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी। अब जैसे इनका जो रिवॉल्ट था उसका वैसे तो कंक्लूजन ये हुआ था कि ही वॉज डिफीटेड बाई द ब्रिटिशर्स, लेकिन इफ वी कैन अवॉइड तो वी शुड अवॉइड दिस पॉइंट, है ना। अगर सिग्निफिकेंस पूछे तो अच्छा अच्छा बताएं, दैट इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इनका जो रिवॉल्ट था उसने कह सकते हैं बेसिस प्रोवाइड कराया था ना फ्रीडम मूवमेंट को मध्य प्रदेश में टू ग्रो, ठीक है, तो याद रखेंगे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, ही वॉज डिफीटेड एंड उनको साइन करना पड़ी, ट्रीटी साइन करना पड़ी थी सब्सिडरी अलायंस की, है ना, लॉर्ड डलहौजी की जो ट्रीटी थी वो उनको साइन करना पड़ी थी। उसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है इनकी, वो देख लेंगे हम, फिफ्थ पॉइंट देख लेंगे, जो राजा मानसिंह थे, है ना, राजा मानसिंह थे, ये अकबर वाले मानसिंह नहीं है, राजा मानसिंह और जोधपुर, ठीक है, राजा मानसिंह और जोधपुर जो थे उन्होंने इनको, व्हेन ही वाज डिफीटेड एंड ही वेंट देयर, तो इन्होंने जो राजा मानसिंह और जोधपुर थे इन्होंने ना अपाची भोसले को असाइलम प्रोवाइड कराया था, मतलब इनको शरण दी थी, जबकि ब्रिटिशर्स वॉज आस्किंग कि डोंट गिव देम शेल्टर, डोंट गिव देम शेल्टर, स्टिल अगेंस्ट द विशेज ऑफ ब्रिटिशर्स ही प्रोवाइडेड, राजा मानसिंह प्रोवाइडेड शेल्टर टू अप्पाजी भोसले, ठीक है, ये हमको याद रखना है अप्पाजी भोसले के बारे में, ठीक है। तो दिस इज आर आंसर, है ना, ये हमारा आंसर क्रिएट हो गया, इतने पॉइंट्स हमको पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स ही डील करना है, ठीक है। तो कौन कौन से अपने मराठा लीडर थे, हैं, टाइम पीरियड देख लेना है, 1818 महाकौशल नागपुर रीजन से इन्होंने रिवोल्ट करा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से इनकी रीन कोइंसाइड थी, ठीक है, उसके बाद राजा मानसिंह ऑफ जोधपुर ने इनको सैलम प्रोवाइड कराया था आफ्टर व्हेन ही गॉट डिफीटेड, ठीक है। नाउ वील इरेज दिस, वील गो टू अर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, कुंवर चेन सिंह। अब इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू डोंट नो अबाउट कुंवर चेन सिंह। क्यों कुंवर चेन सिंह, देखो अब मैं इनका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ, कुंवर चेन सिंह नाम से ही समझ आ रहा है प्रिंस, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, किस रीजन के थे, रीजन सबसे पहले देखना होता है, तो ही वॉज द प्रिंस ऑफ नरसिंहगढ़ रियासत। नरसिंहगढ़ कहाँ है आज, नरसिंहगढ़ कहाँ है, राजगढ़, ठीक है। तो कहाँ के प्रिंस थे ये, नरसिंहगढ़ रियासत के प्रिंस थे, कुंवर चेन सिंह नाम था इनका, ठीक है। उसके बाद हमको पीरियड भी इनके इसी पॉइंट में मिल रहा है, 1824, तो 1824 में इन्होंने रिवॉल्ट करा था, किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करा था इन्होंने, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करा था इन्होंने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम इज नोन एज द मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं इनको, मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ एमपी थी, ठीक है, बहुत ही कम एज में, 21 साल समथिंग के थे ये, उस समय ये शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, इसीलिए इनको मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं। हमेशा कुंवर चेन सिंह के बारे में लिखने आए तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में ये पॉइंट ऐड करना, कभी डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। ये कितने पॉइंट्स हो गए इनके बारे में, कुंवर चेन सिंह किस रीजन से बिलोंग करते थे, प्रिंस ऑफ नरसिंहगढ़ थे, है ना, नरसिंहगढ़ रीजन से बिलोंग करते थे, हाँ, 1824 में इन्होंने रिवॉल्ट करा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, मंगल पांडे ऑफ एमपी इनको कहा जाता है, ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई। इसके बारे में, इनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई मेंशन देम,
ठीक है, इनके टाइम पे क्या था, एक आपने एक्स पढ़े होंगे अगर हिस्ट्री या पॉलिटिक्स किसी में भी, तो आपको पता होगा कि एक ब्रिटिशर्स करते थे कि एक पॉलिटिकल रेसिडेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, उनको ये डायनेस्टीज में पहुंचा देते थे किसी भी एक पर्सन को, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, सीहोर में बिठाला था किसको, मैडॉक। ठीक है, मैडॉक नाम याद रखना है हमको, ठीक है, मैडॉक। ठीक है, इनको इन्हें एज अ पॉलिटिकल रेसिडेंट कहाँ बिठाला था, मतलब भेजा था इन्होंने, सीहोर में भेजा था। ठीक है, और कुंवर चेंसिंग का रिवॉल्ट कहाँ हुआ है, कुंवर चेंसिंग का रिवॉल्ट भी हमको पता है सीहोर से हुआ है, ये मैंने बताया नहीं है, बता दे रही हूँ मैं, सीहोर से इन्होंने रिवॉल्ट करा सीहोर कैंट से। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि उन्होंने एटलीस्ट 1000 कैंटोनमेंट्स उनको इस्टेब्लिश करने हैं, तो ही वॉज रिवॉल्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की, नहीं है डोंट कम टू आर एरिया प्लीज़। ठीक है, तो दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ कुंवर चेंसिंग। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एटलीस्ट 50 सोल्जर्स की अपनी आर्मी एक इकट्ठी करी, एंड ही वेंट टू सीहोर एंड ही फॉट विथ मैडॉक एंड हिज आर्मी। ठीक है, कब, 1824, और इसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ सीहोर। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ सीहोर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ गया, तो आप क्या क्या लिख देंगे, बैटल ऑफ सीहोर कब हुआ था, डेट लिख देंगे 24 जून को ये शुरू हुआ था। ठीक है, 24 जून 1824 को ये शुरू हुआ था, किस किसके बीच हुआ है, कुंवर चेन सिंह और मैडॉक के बीच हुआ है, रिजल्ट क्या निकला था, कंक्लूजन आपको बताना है कि इसी बैटल में 24 जुलाई 1824 को कुंवर चेन सिंह शहीद हो गए थे। ठीक है, ये अटेन मार्टिरडम। ठीक है, ये आपको बताना है 24 जुलाई 1824 को। ठीक है, इतनी चीज़ें बैटल ऑफ सीहोर के बारे में आप बता देंगे, और आपको इसमें ब्रिटिश बताना है कि ब्रिटिशर्स के जो हेड थे वो कौन थे, तो ये मैडॉक, मैडॉक वॉज द लाइक लीडर ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश आर्मी कह सकते हो आप उस समय। ठीक है, ये चीज़ बता देंगे आप, बैटल हो गया इनका 24 जुलाई 1824 को, ये शहीद हो गए हैं। अब क्या हुआ है कि इनकी समाधि, समाधि इनकी बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कह सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि ये इनकी डेथ तो बैटल ऑफ सीहोर में, सीहोर में ही हुई थी लड़ते लड़ते, तो इनकी समाधि अगर हम सीहोर की गवर्नमेंट साइट पे जाएँ ना, गवर्नमेंट साइट पर्टिकुलर जिले की होती है, ठीक है, तो अगर हम सीहोर की साइड पे जाएँ, टूरिज्म पे जाएँ, इफ़ यू विल गो थ्रू, तो आप चेक करिएगा कि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो कुंवर चेन सिंह की समाधि और जो छतरी वगैरह है, ये देखिए मैंने फ़ोटो भी ऐड करी है। ठीक है, ये स्मारक का एक जो फोटो लगा रहता है ना, मतलब लिखा हुआ रहता है, ये वहाँ पे है। ठीक है, जो ये है ना सीहोर युद्ध में शहीद हो गए थे, देखिए ये स्थानीय उमर परमार, राजवंश की अंत्येष्टि 4 बार, मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, तो 24 जुलाई इनकी पुण्यतिथि कौमी एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये सीहोर में है ना, कहाँ पर है, सीहोर में इनकी समाधि और इनकी छतरी वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कुछ कुछ बुक्स में कि 4 बाग नरसिंहगढ़ में है, तो अगर हम देखें रियलिटी, तो द थिंग वॉज कि नरसिंहगढ़ रियासत जो उस समय सीहोर तक भी फैली हुई थी। ठीक है, तो ये नरसिंहगढ़ रियासत तो नरसिंहगढ़ ही मतलब मानेंगे ना उस समय की, तो उसमें सीहोर में है, पर है ना, अगर प्रॉपर लोकेशन आज एट प्रेजेंट टाइम पे देखें आप, क्योंकि रियासत तो अब है नहीं कुछ, तो प्रेजेंट टाइम में देखें अगर डिस्ट्रिक्ट, तो सीहोर में है इनकी समाधि। ठीक है, लेकिन अगर वैसे तो एमपीपीएससी देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि आपको नरसिंहगढ़ और सीहोर दोनों ऑप्शन दे दिए, और पूछेगा तो यू नो दैट यू कैन ऑब्जेक्ट, मतलब आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या फिर दैट आंसर विल बी डिलीटेड। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, सीहोर और नरसिंहगढ़, ठीक है, इनकी समाधि स्थल का है ना, ये हो गया है। उसके बाद हमको क्या याद रखना है इनके बारे में, ये इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि 2015 से जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, इनकी छतरी पे, इनकी समाधि पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, वो जो सलामी देते हैं ना शहीद शहीद को, है ना, इन्होंने 2015 से इनकी छतरी पर इनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है ना 24 जुलाई को, है ना, हर साल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है कुंवर चेन सिंह को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हार्ट मैंने शायद नेक्स्ट स्लाइड में ऐड भी किया होगा, वेट, हाँ जी ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ऐड भी किया है मैंने, ये होता है गार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको फोटोज में देख के, ठीक है, ये इनकी छतरी है, ये जो हमारे पुलिसमैन हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर ऑन द मार्टिरम डे ऑफ कुंवर चेन सिंह, दैट इज 24 जुलाई 2022, स्टार्टेड फ्रॉम 2015। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो एज अ ऑनर टू हिम, ये याद रखना है हमें इनके बारे में। इनके बारे में एक पॉइंट और हमको याद रखना है, वो ये है कि इनके जो दो सोल्जर्स थे उनका नाम था, क्या नाम था उनका, एक का नाम था हिम्मत खान
एंड अदर वॉज बहादुर खान, ठीक है। इन्होंने इनको सपोर्ट करा था थ्रू आउट द वॉर, ठीक है। सबसे इनके कह सकते हैं विश्वसनीय है, या सबसे जो मेजर सपोर्टर थे इनके, ये दोनों ही थे, हिम्मत खान और बहादुर खान, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए कुंवर चैन सिंह के बारे में, अब रिकॉल करेंगे। कुंवर चैन सिंह क्या थे, प्रिंस ऑफ नरसिंहगढ़ थे। 1824 में इन्होंने रिवॉल्ट किया, कहाँ रिवॉल्ट किया, बैटल ऑफ सीहोर, है ना, सीहोर में रिवॉल्ट किया, सीहोर कैंट में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लीडर या फिर ब्रिटिश पॉलिटिकल रेसिडेंट जो था वो कौन था, मैडॉक थे, ठीक है। और क्या देखना है हमको कि इनकी छतरी कहाँ पर है, तो इनकी छतरी सीहोर में है, नरसिंहगढ़ रियासत, सीहोर, चारबाग, चारबागी करके, ठीक है, ये कुछ जगह थी वहाँ पर है, ठीक है। और हमको इनके बारे में याद रखना कि दो सोल्जर्स थे, हिम्मत खान, बहादुर खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये इनने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। और इनकी छतरी पे 2015 से गवर्नमेंट ने क्या करा है, गार्ड ऑफ ऑनर देना चालू करा है, ठीक है। ये हो गया, इनका एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं, ये मैंने देखिए, ये जो आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि बिफोर द रिवॉल्ट, मतलब कि जो मैडॉक था, ही डोंट वॉन्ट कि ये रिवॉल्ट करें, इसीलिए ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि आप अपना एरिया दे दो या जो भी जो चीज़ें चल रही थी। तो एक एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये हुआ कि कुंवर चैन सिंह जो थे ना, ही यूज टू कीप टू सॉर्ड्स, है ना, दो तलवारें अपने साथ रखते थे। तो जो मैडॉक था ही वॉज कन्फ्यूज, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही आज कि आप दो सॉर्ड्स क्यों रखते हैं, ठीक है। तो कुंवर चैन सिंह तो ही वॉज लाइक इन एट लाइक सच अ इतनी कम एज में उन्होंने उनको, मतलब ही वॉज वेरी कह सकते हो कि नोटोरियस थे थोड़े से, तो उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि वन सॉर्ड इज फॉर दोज इंडियंस हु हैड बिट्रेड हिज मदरलैंड एंड वन सॉर्ड इज फॉर कटिंग द थ्रॉट्स ऑफ द ब्रिटिश राज। मतलब आप देख सकते हो उनकी ब्रेवरी कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट, एक ब्रिटिश लीडर को ही उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये हम कहीं पे भी कोट करके लिख सकते हैं, मतलब अगर कुछ बड़े उसमें आया कि टू शो हिज ब्रेवरी, या फिर याद भी रख सकते हैं। और हाँ, इसके बाद ये हुआ था कि व्हेन ही डाइड ना, कुंवर चैन सिंह व्हेन ही डाइड, उसके बाद उनकी एक सॉर्ड मैडॉक ने ले ली थी वाइल फाइटिंग, और वो जो सॉर्ड थी मैडॉक इंग्लैंड अपने साथ लेके गए थे। तो आज भी कुंवर चैन सिंह की जो सॉर्ड है दैट इज कैप्ट इन इंग्लैंड म्यूजियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि हाँ, आप ब्रेवरी भी शो कर रहे हो, दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ प्राइड थिंग, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे कुंवर चैन सिंह, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आ गए हैं कौन, मधुकर शाह ऑफ नरहुत, ठीक है। हाँ, मधुकर शाह ऑफ नरहुत, मधुकर शाह कौन थे, बुंदेला लीडर थे, पता होना चाहिए हमको। इन्होंने रिवॉल्ट कहाँ से करा था, इनकी पॉइंट्स भी लिख लेंगे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो ये बुंदेला लीडर थे, ठीक है। इन्होंने रिवॉल्ट कहाँ से करा है, सागर से रिवॉल्ट इन्होंने करा था, ठीक है। जो नरहुत है या फिर जो इनका एरिया था जहाँ पे उस समय रूल करते थे, तो ललितपुर रीजन और सागर और ये वाला जो रीजन है ना, छतर बुंदेलखंड वाला जो राइज है, उस वाले रीजन का मतलब इनका रीजन था वहाँ पे, वहाँ से ये रूल करते थे, ठीक है। तो बुंदेला लीडर थे, सागर से इन्होंने रिवॉल्ट करा, कब रिवॉल्ट करा इन्हें, 1842 में रिवॉल्ट करा था, ठीक है। 1842 में रिवॉल्ट कर दिया इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्यों, वही सेम ज़मींदारी वाली और बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, कि हमारे एरिया में आप आ रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू कम हेयर, है ना, ये सारी चीज़ें थी। तो नरहुत प्रॉपर हमको याद भी रखना है कि नरहुत कौन सा रीजन था, ठीक है। और इनको क्या करा था, इनको 21 साल की एज में सागर में फांसी दे दी थी, ठीक है। ही वॉज हैंग एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है, ये याद रखना है। और हमको क्या याद रखना है, हाँ, इनको हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इनकी समाधि, देखो समाधि कोई भी अगर हम लीडर पढ़ते हैं तो हमें उनकी समाधि तो याद रखनी ही है, क्योंकि आज अगर हम देखें उसका रेलेवेंस, तो या फिर उनके बारे में अगर आप इफ़ यू फील प्राउड, या आप अपने मतलब एक ब्रेवरी का सिंबल हो जाता है ना, कुछ भी फंक्शन भी अगर होता है तो वो वहीं पर होता है, तो इसलिए समाधि वगैरह तो हमको याद रखनी। तो आज भी जो मधुकर शाह की समाधि हमको कहाँ देखने को मिलती है, सागर जेल में, ठीक है। सागर का जो जेल है वहाँ पर इनकी समाधि है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई इनके बारे में, कौन कौन सी होंगी, मधुकर शाह वॉज द बुंदेला लीडर, ठीक है। ही रिवॉल्टेड इन 1842 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सागर, एंड ही वॉज हैंग टिल डेथ एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। एंड ही समाधि इज इन सागर जेल, ठीक है। इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखी। एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में, दैट इज दिस, देखिए, हाँ जी, ये देखिए, ये फोटो मैंने ऐड करी, फोटो देखिए आपको समझ आ रहा होगा क्या है, पीछे पड़ी है, ये क्या है, मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक,
ठीक है, ये कोई पोस्टर नहीं है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक रिटन बाय गोविंद नामदेव। ठीक है, किसने लिखी है ये बुक? गोविंद नामदेव ने लिखी है ये बुक। ठीक है, किसके बारे में? मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक, ये तो इसका टाइटल है, बुंदेला रिवॉल्ट के बारे में इन्हें सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये अभी अभी, और ये लॉन्च किसने करी थी, हम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की फोटो लगी है, इन्होंने इस बुक का मतलब लॉन्च लॉन्च विमोचन जो कहते हैं वो किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये बुक के राइटर कौन है? गोविंद नामदेव, याद रखना है, बुक का नाम क्या है? मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक। ठीक है, तो अगर आपको ये कंक्लूड करना है, कभी मधुकर शाह के बारे में लिखने को आता है, तो दिस इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट टू कंक्लूड इट, क्योंकि बहुत ही रिसेंट का है। ठीक है, गोविंद नामदेव, हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे इतने पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स के बेसिस पे वी कैन राइट अ गुड आंसर ऑन मीन्स द। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज हृदेश शाहस रिवॉल्ट 1842। ठीक है, हृदय शाह, इनका बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, ये हृदय शाह का रिवॉल्ट ये है कि ये जो सागर के हीरापुर, सागर में देर इज अ प्लेस कॉल्ड हीरापुर है ना, तो वही देख लेंगे। हृदय, ये भी बुंदेला लीडर थे। ठीक है, बुंदेला लीडर थे ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या देख लेंगे? एरिया देख लेंगे इनका, कहाँ से? हीरापुर, हीरापुर कहाँ है? सागर। ठीक है, सागर का एक जगह है हीरापुर, वहाँ से इन्होंने रिवॉल्ट करा था। थर्ड ये देख लेंगे कि किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करा, ये तो देख ही लेंगे, 1842 में करा है, ये आपको ईयर से याद रखने ही रखने हैं। थर्ड पॉइंट हम ये देख लेंगे कि इनकी हेल्प किसने करी थी, तो इनकी हेल्प करी थी सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह। ठीक है, इन्होंने इनकी हेल्प करी थी। ठीक है, मतलब सोल्जर होंगे, इनके आर्मी मैन होंगे, जो भी होंगे, इतना बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है इनके बारे में, लेकिन याद रखना है क्योंकि ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें थी जिसको हम कहते हैं कि बैकग्राउंड, मतलब जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ है उसके पहले भी है ना, जो रिवॉल्ट चल रहे थे वो थे ये। ठीक है, तो ये था हमारा 1857 इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बैकग्राउंड। ठीक है, नाउ वी विल गो टू आर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने ये वरचेन सिंह की छतरी और ये सारी चीज़ें ऐड करके रखी हुई हैं। ठीक है, क्या? हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड, अब क्या है बैकग्राउंड? देखो, मेंशन करा है मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एमपी। ठीक है, अभी बैकग्राउंड ही देख रहे हैं हम सारा। ठीक है, 1857 के पहले वाला नहीं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बैकग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उसी में ही आएगा है ना, सारा बैकग्राउंड देखना है हमको है ना। उसके बाद ठीक है, बैकग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू एमपी देखना। ठीक है, सबसे पहला देख लेंगे हम हमारा नीमच। ठीक है, ये सारे रिवॉल्ट थे वो तो 1857 के पहले ही हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियली 1857 का जो रिवॉल्ट था, अगर पैन इंडिया में देखें तो हमें पता है ना, मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था, किस डेट को शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से, है ना। अगर हम देखते हैं कि इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, तो दिस इज द आंसर, फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857। तो अगर हम देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, तो दैट इज नीमच कैंटोनमेंट। ठीक है, नीमच कैंटोनमेंट से शुरू हुआ है, और कब हुआ है? 3 जून 1857 को शुरू हुआ है। ठीक है, और इसकी लीडरशिप किसने करी थी ये देखेंगे हम, और ब्रिटिश जनरल्स, ये सारी दोनों चीज़ें हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिटिश जनरल थे उस टाइम पे तक, कर्नल अबॉट। ठीक है, ये स्पेलिंग है, ABOTT। ठीक है, ये थे इसके ब्रिटिश लीडर्स। ओके, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि जो इंडियंस हैं उनको लीड किसने करा था, तो वो दो लोगों ने लीड करा था, दैट इज, ठीक है, ये तो हो गए कर्नल अबॉट, दो लोगों ने लीड करा था, तो वो दो लोग कौन थे? ठीक है, इंडियंस कौन थे? मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल। ठीक है, इन दोनों ने है ना रिवोल्ट करा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम नीमच कैंट। ठीक है, ये वाला हुआ है पूरा। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स थे ना उनके घर में आग लगा दी थी, यहाँ जहाँ आर्म्स एमिनेशन ये जो सारी चीज़ें रखी रहती थी इन्होंने वहाँ पर आग लगा दी थी, इन्होंने ये किया है। ठीक है, नीमच कैंट से, तो इसीलिए नीमच कैंट से हम अपना रिवोल्ट स्टार्ट मानते हैं। और ये सोल्जर्स थे, कहाँ के सोल्जर्स थे? जो बंगाल जो आर्मी में कैटेगरीज होती है ना, तो ही वॉज ही दे बिलोंग फ्रॉम बंगाल। ठीक है, सम बंगाल इन्फेंट्री, आई डोंट नो, आई गेट बैक टू यू विद दिस एक्चुअल फैक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये किस उससे बिलोंग करती थी? ठीक है, बंगाल ट्रूप्स, या बंगाल ट्रूप्स, दे बिलोंग फ्रॉम बंगाल ट्रूप्स। ओके, ये याद रखना है हमको। ठीक है,
तो क्या क्या पॉइंट हो गए नीमच कैंट टॉर्नमेंट के, अगर तीन नंबर में याद आए तो, कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम नीमच कैंट फ्रॉम ऑन 3 जून 1857, द ब्रिटिश लीडर वॉज कर्नल अबॉट, हाँ, एंड द इंडियन रिवॉल्ट वॉज लाइक होस्टेड लीडेड बाय मोहम्मद अली बेग हीरा लाल, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये है कि हमें साथ में देखो, मैंने ऐड किया हुआ है, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल है, मतलब ये आप इग्नोर ना करा करें, 1857 की क्रांति और नीमच, ये बुक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। कब लॉन्च हुई है? 23 दिसंबर 2021 को, 23 दिसंबर 2021, ठीक है, बहुत पुराना समय नहीं है, अभी लॉन्च हुई है ये वाली बुक की, ठीक है, नीमच से, और ये बुक के राइटर कौन है? सोरेन सकतावत, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। उसके बाद हम मुरार कैंट देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा मुरार कैंटोनमेंट क्या हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है 14 जून 1857 से। मुरार हमें पता है ना, ग्वालियर, ठीक है, वो वाला एरिया था, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था, इसमें जितने भी सारे कम्युनिकेशन चैनल्स थे ना इंडियन से, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है। और फिर थर्ड था शिवपुरी कैंट, शिवपुरी कैंट में भी इन्होंने सेम यही किया था, 20 जून 1857 से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, और इन्होंने क्या करा है, इस समय भी इन्होंने सारे कम्युनिकेशन चैनल खराब कर दिए थे इंडियंस ने, यही करते थे, दिस वॉज देयर एजेंडा या दिस वॉज देयर वेपन, ठीक है। महू कैंट, महू कैंट का रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 जुलाई 1857 को ये हुआ है महू कैंट से, हमको पता है, आज भी हमको महू कैंट मिलता है। महू का फुल फॉर्म क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है, ये है, पता है हमको, ठीक है। तो महू का रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो लीडर थे वो थे सादत खान, ठीक है, जो ये मैंने फोटो लगाई ये उन्हीं की समाधि है, ये जो आज अगर आप एमपीपीसी के ऑफिस जाओगे तो उसके जो सामने एक बनियान ट्री है, ये उसके नीचे बनी हुई है सादत खान की मज़ार, यहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। तो ही वॉज अ लीडर ऑफ महू कैंट, है ना, महू कैंट का जो रिवॉल्ट हुआ था, ही वॉज अ लीडर ऑफ दैट, ठीक है। और इस टाइम पे ये हुआ था कि हमको याद रखना है कि महू कैंट जब सादत खान ने रिवॉल्ट किया था, तो जो ब्रिटिश जनरल थे वो कौन थे? वो थे कैप्टन कीथ, कैप्टन कीथ एंड कर्नल टैशोन, ठीक है, ये दोनों थे, है ना, उस टाइम पे ब्रिटिश जनरल्स, ठीक है, इसीलिए हमको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये जाना। और बाकी सादत खान है, तो हम जब इम्पोर्टेंट लीडर्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम सादत खान की पूरी डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, इसीलिए मैं अभी आपको सादत खान के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये चार चीज़ें, ये चार कोर्स हुआ है 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे, ठीक है। अब वेन विल गो टू आर नेक्स्ट स्लाइड, तो हम देखेंगे कि उसके बाद, हाँ, इसका कंक्लूजन बता देती हूँ। कंक्लूजन क्या था? ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था रिवॉल्ट 1857 पे, रिवॉल्ट पैन इंडिया पे थे कि, तो वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था पर्टिकुलर एरिया में, बहादुर शाह वॉज द लीडर, उनको जाना पड़ा था। तो यहाँ मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में भी यही हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया था, ठीक है। अब हम देखिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो डिस्क्राइब द फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, ये 2020 का क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखा है, लेकिन पुराने क्वेश्चन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो नए क्वेश्चन आए हैं उनको ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। बाकी पुराने क्वेश्चन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, तो फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश 11 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो हमको फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश सारा यही लिखना है, बैकग्राउंड में ऐसे ही हेड्स में लिखना है, उसके बाद लीडर्स भी लिखना है हमको, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन भी अलग से थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, लेकिन अगर हम फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश डिस्क्राइब करेंगे ना, तो यही सारी चीज़ें मेजर हैं जो हमको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस, ओके, एंड वील इन आर नेक्स्ट वीडियो वील कवर ऑल द मेन लीडर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। होप यू लाइक दिस, थैंक यू।